Hi guys, this is Bilal Ashraf, and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Adha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page, and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures, and much more. तो मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं निकालनी, मुझे जॉब के लिए रिहायर करवाने की। अगर मुझे तुमसे दुश्मनी निकालनी होती तो मैं तुम्हारे घर आने के लिए अम्मी को कभी राजी ना करती। ठीक है तो कल से बना लेंगे रोटी, क्या फर्क पड़ता है। ले, आज तो सालन और गुंधा हुआ आटा मिल गया तुम्हें, कल से ये भी खुद करना अगर इस घर में रहना है। ईशा, मैं जब घर आया था ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि टीवी की कितनी ऊंची आवाज थी। बीमार माँ है घर में, वो आवाज दे के बेटी को बुला रही होगी, पर यहाँ तो टीवी चल रहा है। हाय मैम, मैं ऑफिस जल्दी आ गया। सुना आंटी की तबीयत ठीक नहीं, कैसी हैं आप? ठीक हैं वो। रानी मैडम क्या समझती है, कोई मर नहीं ना उनसे बात करने के लिए, गुस्सा में रहती। इसका नंबर क्यों बंद? आ गए तुम? कब से फोन कर रही हूँ, फोन भी बंद है, बगैर बताए चले गए, कहाँ गए थे? सॉरी मैम, फोन की बैटरी डेड हो गई। मैं पूछ रही हूँ कहाँ गए थे? जिस तरह बात ना किया करो, I don't like it। तो पूछ रही हूँ कहाँ गए थे, बता क्यों नहीं रहे? कहाँ जाऊंगा, ऑफिस गया था ना बॉस से मिलने के लिए। ईशा से मिला थे, वो थी नहीं वहां पर। और ईशा से क्यों मिलना था? क्यों मिलूंगा मैं ईशा से, कोई प्यार की बातें थोड़ी करनी है, जॉब के लिए पूछा। लगवा दी उसने जॉब, मैं भी तो देखूं जरा। कोई जॉब नहीं लगवाएगी तुम्हारी, और अगर लगवा भी दी ना तो मिजाज नहीं मिलेंगे उसके। तो मिजाज ना भी ले, बाहर में जाए मिजाज। जॉब की सख्त जरूरत है, तब तक इस तरह घर पे फारिग बैठा रहूंगा। शुक्र है कि कम से कम तुम्हें ख्याल तो आया। आंटी को क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, जरा सा हाई ब्लड प्रेशर हो गया था तो ईशा बीबी ने घर सर पे उठा लिया, डॉक्टर जैद सबको बुला लिया, और तो और खुद भी भाग के आ गई। कहाँ थी तुम? मैं तो घर में ही मौजूद हूं ना, अब यार अब हर वक्त तो कमरे में नहीं बैठ सकती ना मैं अम्मी के साथ। और हाँ, मेरे भाई से कहना कि मेरे मुंह ना लगा करे। क्या कहा उसने? क्या नहीं कहा है? अरे मुझसे कह रहा है कि आंटी का ख्याल रखो, टीवी कम आवाज में देखो, मुझे नसीहतें कर रहा है, कौन होता है वो? वैसे तुम्हें कुछ दिखाई दे या ना दे, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है कि वो किस तरह ईशा के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। दिखता तो मुझे भी है। अगर दिखता है तो कुछ करते क्यों नहीं हो? अरे ईशा को अगर उसने राजी कर लिया ना तो मालकन बन जाएगी उस घर की, और तुम्हें उस घर में घुसने तक नहीं देगी, अरे मुंह तक नहीं लगाएगी तुम्हें। हो ही ना जाए, कब नहीं होने दूंगा मैं, जो कुछ भी है। लेकिन बुलाया है मैंने असद भाई को, आ रहे हैं वो रात में, और लेंगे ईशा बीबी की खबर, पता चलेगा कि जैद को घर में बुलाने का नतीजा क्या। मैं मर गया था जो मेरे पीछे तुम गैरों को घर में घुसाती रही हो? जैद कोई ऐरा गैरा नहीं है, हम सब जानते हैं उसे। अच्छा, क्या रिश्ता है इससे हमारा, क्या रिश्ता है इससे हमारा बताओ? ये तुमने मुझे जलील करने के लिए किया है कि मुझे मेरी माँ की कोई परवाह नहीं है। अरे आप तो घर में मौजूद नहीं होते, लेकिन मैं तो घर में थी ना, मुझे तक बताना जरूरी नहीं समझा? मैंने आप दोनों को फोन किया था, बार बार फोन किया, किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। तो यार मैं मसरूफ हो सकता हूँ, तुम एक मैसेज छोड़ देती। तो आपने ये भी नहीं सोचा कि बार बार मैं फोन कर रही हूँ, कॉल बैक कर लूँ, कोई काम होगा मुझे?
हाँ 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 ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं गैर जिम्मेदार इंसान हूँ? हाँ, और जिम्मेदार तो इस पूरे घर में तुम ही रह गई हो ना। मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। अच्छा, तो और क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारे इन बातों से? बोलो बोलो। तुमने शुरू से मुझे और भाई को अम्मी के सामने बुरा बनवाया है। तुम तो चुप रहो तुम। यहाँ सब कुछ जो हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ना तुम इसको अपनी बातों में फंसाती और ना तुम दोनों की शादी होती। इसकी इससे शादी होती उस घर में होती है। अल्लाह ना करे, ये क्यों होती उसके घर में? हाँ हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, ये या तुम उस घर में कैसे हो सकते थे? ये तो खुद यहाँ पड़ा हुआ है, अय्याशियां कर रहा है। ओए बकवास बंद करो, मुझे बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम भाई बहन की नहीं मती थी, मेरी क्या गलती है? मेरे बारे में बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी छोड़ के गए थे ना, छोड़ के गए थे ना अपनी माँ और बहन को? बताओ गए थे ना? बदतमीजी मत करना, मुझ पे तंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों, सच कड़वा लगता है ना? बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे। पहले अपने शौहर को संभालो। एक तो ससुराल में रह रहे, ऊपर से उसकी अकड़ देखो, तमीज देखो उसकी। भूल रही हो कि तुम्हारा शौहर भी इसी घर में रह रहा है। अम्मी आप यहाँ क्यों आ गई? चले आप, चले अंदर, चले मेरे से। मैं मर जाऊं तो ये सब मेरे जनाजे पे आए। अम्मी जाए यहाँ से, निकालो इन्हें। ताकि ही चले जाएं आप लोग यहाँ से, इससे पहले मेरी अम्मी को कुछ हो जाए। चले जाए। हाँ हाँ, तुम्हारी मायना, हम सबकी तो कुछ लगती ही नहीं है वो, हमारी तो माई नहीं है वो, है ना? सब समझ में आ रहा है मुझको। असद तुम देख लो, देख लो अपनी बहन को, तुम्हारा ये घर आज से तुम्हारा रहा ही नहीं। चले जाओ यहाँ से। चुप हो जाओ, खुदा का वास्ते चले जाओ। सब सुन लो, मैं भी किसी को इस घर में कब्जा नहीं करने दूंगा। मेरा सबसे ज्यादा हक है इस घर में, बेटा हूँ मैं। निकले यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। अपना हक नहीं छोड़ूंगा, चलो अभी यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, सब चले जाओ। या अल्लाह, अरे मेरे मरने का तो इंतजार कर लेंगे, एक दूसरे के खून के दुश्मन हुए वे। या अल्लाह, ऐसी खुद गर्ज औलाद किसी को ना दे। माँ की फिक्र नहीं, एक दूसरे को मरने मारने पे तुले हुए, खून सफेद हो गए इनके। अम्मी संभाले खुद को, क्या हो गया है? आपकी तबीयत सुबह से वैसे ही ठीक नहीं है, मत रोए ना अम्मी। मेरा दिल चाहता है तुम्हारे बाप की तरह बस चुपके से आंखें बंद कर लूं, खुश हो जाएंगे सब। नहीं अम्मी नहीं। कैसी बातें कर रही हैं? मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा? अरे बेटा, तुम्हारे बारे में तो सोचती हूँ, इसीलिए तो जी रही हूँ। ये तो मुझे अपनी औलाद ही नहीं लगते। अम्मी बस, अब और नहीं रोएंगी आप, और कुछ नहीं सोचेंगी, सिर्फ सोने की कोशिश करें। अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और बिगड़ जाएगी अम्मी, खुदा के लिए। या अल्लाह, मेरी बच्ची के लिए गैर से कोई अच्छा सा रिश्ता भेज दे, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। लेट जा। ये मेरे बच्चे नहीं हो सकते, किस तरह क्या हाल कर दिया मेरा, बिल्कुल नहीं सोचते माँ के बारे में। अम्मी बस, अम्मी बस, मेरी बच्ची। ये इतनी सुबह सुबह तैयार हो के कहाँ जा रहे? किसी का दिमाग ठीक करने जा रहा हूं। किससे झगड़ा करने जा रहे हो? घर जा रहा हूं। किस लिए? कहा ना, किसी का दिमाग ठीक करने जा रहा हूं, चलोगी? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं जाना। ठीक है, तुम एंजॉय करो रोज की तरह। ओ हेलो, क्या मतलब है? हाँ, ये जली कटी बातें क्यों करने लग गए हो? सच बहुत कड़वा लगता है ना तुम्हें। प्लीज जाओ, प्लीज अभी चले जाओ। और वैसे भी ना,
इस पूरे कमरे में इतनी परफ्यूम की तुम्हारी खुशबू फैल गई है ना कि सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तो प्लीज जाओ। अजीब सी बात है, यही खुशबू तुम्हें बहुत पसंद थी, यही वाली? हाँ, क्योंकि मैं तो पागल थी, है ना? पागल थी ना मैं पहले, तो कभी नहीं सुधर सकता, लड़ाई का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वाह अम्मी, क्या जबरदस्त हलवा पूड़ी बनाती है, मजा आ गया। आज अरसल भी यहाँ होता तो कितना अच्छा लगता, उसे नाश्ते में हलवा पूड़ी कितना पसंद है, लेकिन वो जब भी यहाँ आता है कोई उससे ठीक तरह बात ही नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है तनिया, आपके साहबजादे मिजाज ही कुछ ऐसे लेकर पैदा हुए कि कोई उन्हें खुश अच्छा ही नहीं लगता। आपको तो हमेशा उसमें कीड़े नजर आते हैं ना। अरे अरसल, तुम मैं अभी तुम्हें याद कर रही थी, बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गए। आओ बैठो हमारे साथ, हलवा पूरी बनाया मैंने, आओ साथ बैठ के नाश्ता करो। आप लोग खाइए, मुझे माफ कीजिए बस। ये माथे के बल कभी भार छोड़ के भी आ जाए कभी। बाबा छोड़े जाएंगे किलो शेखों को। हाँ मेरे भैया, आ चल बैठ नाश्ता कर, बस कर दे। ये चापलूसियां जिंदगी चलती ना, उनके साथ किया कर, मेरे साथ नहीं। नहीं सर, खुदा की कसम चापलूसी नहीं, दिल से कह रहा हूँ तुझे। तू ईश्वर से दूर रहे, यही तेरे लिए बेहतर होगा। बात को समझ ले। क्या कह रहा है? हे, बैठ के बात करो जो करनी है। इससे कहिए कि मैंने ससुराल के चक्कर लगाना बंद कर दे। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं मैं, अब जिसे मैंने छोड़ा उसे ये अपनाएगा, ये नौबत आ गई। मैं बता रहा हूं तू ईशा से दूर रह, ली तेरे लिए बेहतर रहेगा, वरना तेरे ऐसा हाल करूंगा ना। तू काका है, काका बनकर है, समझे? पूछे इससे क्यों बहाने बहाने से मेरे ससुराल आता है, पता ना? कल भी आया हुआ था डॉक्टर का बहाना करके, पूछिए से। डॉक्टर? डॉक्टर क्यों आया था वहां? बाबा मैंने कुछ गलत नहीं किया है, सफीना आंटी की तबीयत खराब थी, ईशा का दफ्तर घर से दूर था, वो असद और जूनियर को फोन कर रहे थे, उनके पास तो वक्त है नहीं उनका फोन उठाने के लिए, तो क्या करता मैं, वो डॉक्टर को लिया और चला गया। बताइए क्या कुछ गलत किया है क्या बाबा मैंने? लेकिन तुमने मुझे तो कुछ नहीं बताया था सर। अरे ये क्यों बताएगा, पोल खुल जाएंगे ना इसके। मैं ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ अरसल, जिसे मुझे छुपाना पड़े। और तू बेशर्म इंसान, तू मुझसे ये बात कर रहा है, साली बहन जैसी होती है, साली को पता है। तू मुझे समझाएगा तू साली क्या होती है? हाथ छोड़। मुझे समझाएगा तू? तमाशा लगा के रखा घर में, जब आते कुछ नहीं हंगामा, जाओ। अरे नहीं चाहिए कुछ भी। क्या हो गया सबको? कुछ भी नहीं हुआ, इसे जो भी कुछ हुआ है वो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ईशा को खोने का पछतावा है और कुछ नहीं। मेरे भाई से दूर रहो, यही बेहतर, मैं जानता हूं क्या हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बहन से दूर रहो। आइंदा मेरे मामले में दखल मत देना, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। दफा समझाया तुम्हें, क्यों बार बार बिला वजह वहां जाते हो तुम? बिला वजह नहीं जाता हूं मैं अम्मी, उन लोगों का काम होता है, मेरी जरूरत होती है तो फिर चला जाता हूं।
मैंने कहा था इससे वहां जाने के लिए कि जमील के बाद जाके उनका ख्याल रखे। असद भी चला गया वहां से, वो दोनों खवातीन तन्हा रह गई हैं। सारी दुनिया में तो ईशा तन्हा फिरती रहती है, घर के काम उससे नहीं हो पाते। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? आप मेरा मतलब अच्छी तरह समझ रहे। खुदा के वास्ते मेरे बेटे को वहां मत फंसाए। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें एतराज किस बात पर है। मैं ईशा की शादी इसके साथ नहीं होने दूंगी। लो भला, एक भाई ने छोड़ दिया तो दूसरा भाई तैयार हो गया। क्यों, शराब में मना है क्या? मेरे खुदाया, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? दोनों भाई सारी जिंदगी के लिए एक दूसरे से कट जाएंगे। बेकार की बहस मत करो तुम। ईशा अगर राजी हो तो जैद के लिए इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता, समझी तुम? ईशा ईशा ईशा, दिमाग खराब हो गया। क्या हो रहा है? अभी तक बिस्तर में हो तुम? हाँ तो? हाँ तो क्या, कमरे की हालत देखो, क्या हो रहा है? तो कौन सा कोई आ रहा है जो जो देखेगा? चलो उठो, अपना और कमरे का हुलिया ठीक करो। कम ऑन, गेट अप, ठीक करो ये सब। कम ऑन, उठो। जो हुकुम दे रहे हो? हाँ हुकुम दे रहा हूं, नाउ गेट अप। बोल रहे हो कि मुझे दूसरों के अहकामात सुनने की आदत नहीं है? Seriously, कैसी लड़की हो तुम? आराम करके के थकती नहीं हो? नहीं। अपनी बहन से कुछ सीख लो, सारा अपना काम करती है, जो एक दिन छुट्टी होती है ना उस दिन घर के कामों में लगी होती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या ईशा की तारीफ कर रहे हो? यस कर रहा हूं, क्योंकि वो तारीफ के लायक है और तुम बिल्कुल नहीं हो। खबरदार जो तुमने मेरे सामने उसकी तारीफ की। क्यों, क्या करोगी? बोलो क्या करोगी? कमान सो मी, क्या करूंगी मैं? छोड़ दूंगी मैं तुम्हें, अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी मैं तुम्हें। छोड़ दो तो प्लीज, छोड़ दो तो गॉड सेक, जस्ट लीव मी अलोन। बहुत बड़ी गलती की मैं तुमसे शादी करके, पछता रहा हूं मैं ईशा को तलाक देकर, पछता रहा हूं मैं। यू हियर मी? क्या कहा तुमने? क्या, एक सेकंड, तुमने क्या कहा कि तुम पछता रहे? वही कहा जो तुम सुन रही, पछता रहा हूं मैं तुमसे शादी करके, समझ गई? सुनाई दे रहा है? कान खराब हो गया क्या? एक सेकंड, नहीं तुमने नहीं, कहा नहीं, कि तुम मुझसे शादी करके और ईशा को छोड़कर पछता रहे हो? हाँ पछता रहा हूं मैं, पछता रहा हूं तुमसे शादी करके। एक नंबर की सर फिरी और बदतमीज और तुम। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? अपना मुंह बंद रखो। शराब लबी फिनिश। मेरी सारी दुनिया से तुमने लड़के मुझसे शादी की थी ना, सारी दुनिया से, और जिस शख्स से तुमने लड़ा था उसको खुश नहीं रख सकी तुम्हें सारी दुनिया के लिए। मैं क्या कह सकता हूँ, कैसे खुश रखूंगी? तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमने मुझसे शादी करके और ईशा को छोड़ के तुम पछता रहे हो? यस बिल्कुल पछता रहा हूँ, इतना पछता रहा हूँ कि मैं समझा नहीं सकता तुम्हें। तो फिर ठीक है, ये मेरी माँ का घर है, निकलो। ठीक है चलो। अच्छा ठीक है, निकाल निकाल के निकाल के निकाल। क्या नाम लिया तुमने? नाम बोल गए ना मेरा? सोनिया। ईशा का तुमने? सोनिया तुमने क्या नाम लिया? क्या नाम लिया तुमने? बस कर दो, एक सेकंड। हाथ ना लगा, बस कर दो। मेरी कहा बस, एक सेकंड बस करो। सोनिया जोड़िया ब्रो, निकल मेरे कमरे से बाहर। अरे इस घर से निकलो। नहीं जाऊंगा, तुम पागल हो गई हो? कहीं नहीं जाऊंगा मैं। ये क्यों चीख रही है इतनी जोर जोर से? कुछ नहीं अम्मी, आप अंदर चलें, उसकी तो आदत है ना, कोई बात उसके मिजाज के खिलाफ हो गई होगी। अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी करके पछता रहे हो?
उसकी मर्जी के खिलाफ हो गई होगी। नहीं नहीं अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अंदर चलिए। अरे मुझे कुछ नहीं हो रहा, मर नहीं जाऊंगी बेटा, मुझे जाने दो। अम्मी नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी। मेरी बात समझो बेटा, देखो अगर अपनी ना समझी में उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो गजब हो जाएगा। पहले ये दाग अपने माथे पे अरसल की वजह से लगवा चुकी है, अब उसे कौन अपनाएगा। अच्छा अच्छा, अपनी तबीयत संभाले, मैं आपको लेकर चलती हूँ। आजो मुझे, मुझे ले चलो बेटा, मैं उसको रोकूं जाके। और हाँ, तुमने बहकाया था मुझे, तुम्हारी वजह से अच्छी बनी जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी, अपने माँ बाप की नजर में भी मैं बुरी बनी, और अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी करके पछता रहे हो। हाँ पछता रहा हूँ मैं, सब समझती हूँ मैं कि तुम किन चक्करों में हो। किन चक्करों में? बोलो बोलो किन चक्रो, बोलो। मेरा मुंह मत खुलवाना। खोलो खोलो खोलो, सुन रहे हो मैं। अरे तुम जैसे निकम्मे से शादी करने से बेहतर था कि मैं इस घर में पड़ी रहती। तुम निकलो इधर से। जूनिया निकाल के दिखा। स्टॉप, बस कर दो जूनिया। क्यों चीख चीख के सारे मोहल्ले को बता रही हूँ कि इस घर में क्या हो रहा है? ये तो मैं कह रहा हूँ, भाभी की तबीयत है, सारा सुकून बर्बाद करते हैं मेरा। मैंने तुम्हारा सुकून बर्बाद किया है? अरे तरबियत तो मैंने ईशा की भी की है, लेकिन इसका मिजाज कुछ अलग है, इसे तो मुझे दुनिया में मुंह दिख। बंद कर दे इसकी तारीफें करना, हर कोई इसके गुण क्यों गाता है? इसमें कोई गुण होंगे ना जो सब इसके गुण गाते हैं। अरे आप तो मेरी माँ ही नहीं है, आप सिर्फ ईशा की माँ है। हमेशा आपने मुझे और भाई को छोड़ के इसको अहमियत दी है। हाँ हाँ, मैंने नहीं तुम्हें जन्म दिया दोनों को, ना मैंने तुम्हारी तरबियत और परवरिश की, मैंने तो सिर्फ ईशा की परवरिश की है। अम्मी खुदा के लिए इतना गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है और खराब हो जाएगी, कुछ तो ख्याल करें अपना। मर जाने दो मुझे, ये किस्सा ही खत्म हो। अम्मी आप बाहर चले मेरे साथ। अरे अपनी जिंदगी तो बर्बाद की सो की, ईशा की जिंदगी बर्बाद की और अब भी ये रिश्तों को नहीं निभा रही है। ऐसे कौन से रिश्ते जो मैं नहीं निभा सकती, ऐसे कौन से रिश्ते जो आपकी चहेती निभा सकती है, बताए मुझे। क्या हो गया जूनिया, किस तरह बात कर रही हो अम्मी से? पता है तबीयत ठीक नहीं है इनकी, रोज झगड़ा लेकर बैठ जाती हो घर में। मेरे मामले में दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है, नफरत है मुझे तुमसे, अपने काम से काम रखा करो। और हाँ, ये मेरे और मेरे मियाँ का मामला है, बहाने बहाने से इस कमरे में आने की जरूरत नहीं है, निकलो इधर से। मैं इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दू। चलो बेटा, इसको इसके हाथ पे छोड़ो। शक्ल क्या देख रहे हो मेरी, सामान उठाओ और निकलो इधर से, पकड़ो पकड़ो और निकलो इधर से। मैंने कहा निकलो इधर, ठीक जा रहा हूं, बस 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 रुक, पीछे मत आना। कोई शौक नहीं है पीछे आने का, कोई नजर नहीं आ रहा। अरे आप तो मेरी माँ ही नहीं है, आप सिर्फ ईशा की माँ है। हमेशा आपने मुझे और भाई को छोड़ के इसको अहमियत दी है। सब सुन लो, मैं भी किसी को इस घर में कब्जा नहीं करने दूंगा, मेरा सबसे ज्यादा हक है इस घर में। जी भाभी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपसे बहुत जरूरी काम था। हाँ हाँ, मैं अभी हाजिर हो जाता हूँ, बेफिक्र हो जाइए आप। शुक्रिया भाई, खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम। जैद जी। जी बाबा। चलो भाभी ने बुलाया, शायद कोई परेशानी है। परेशानी क्या हुआ? अपन जाएंगे तो पता चलेगा ना। चले भाभी, मुझे तो समझ ही नहीं आया, जमील की जाते ही आपने हमें गैर समझ लिया। आप कोई ज़हमत देते हैं जब कोई जरूरत पड़ती है, ईशा हमेशा जैद को बुला लेती है। चलिए कम से कम हमारी बेटी तो हमें अपना समझती है ना। बाप और भाई ने तनहा कर दिया, मर्द के सहारे की कितनी जरूरत होती है,
जमील की जिंदगी में मैंने कभी गौर ही नहीं किया। बहरहाल कैसे याद किया आपने? ईशा बेटा जरा चाय बना लो। जी अम्मी। वो मैं कहना ये चाह रही थी भाई कि अल्लाह जाने कितनी जिंदगी रह गई है, तेरे बाद मेरी ईशा बिल्कुल अकेली रह जाएगी। कैसी बातें कर रही है भाभी? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी करे, सब ठीक हो जाएगा। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में ही ईशा अपने घर की हो जाए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ। अगर आप जैद को अपनी फर्जंदी में कबूल कर रहे, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? आपने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। आप यहाँ क्यों आ गए? आप चलिए, मैं चाय बनाकर ला रही हूँ। नहीं, वो दो बड़े बात कर रहे थे, आपकी अम्मी ने आपको भेज दिया, मेरे बाबा ने मुझे इशारा कर दिया, लगता है कोई खास बात है, तो अब आ गए हो तो आपकी भी मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं, ये हो गया है। मैं, आप पानी को देखिए, वो पानी उबल रहा है ना। मैं खुद कर सकती हूँ ये काम। मैं कर देता हूँ ना, पत्ती डाल चुकी हूँ मैं, थोड़ी डाली है मैंने, चीनी आप डालेंगी? मैं ये काफी थी जी, मुझे दे वो। मैं कर लूंगी ना, आप क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं? अरे चाय गिर जाती है अभी। नहीं, वो मैं हिला रहा था, चीनी और पत्ती मिक्स हो जाती हिलाने से। सही बन रही है। अरे भाभी, ईशा तो हमारी अपनी बच्ची थी, अरसल की वजह से सारा उल्टा सीधा हो गया। अब अल्लाह अगर हमें मौका दे रहा है कि वो दोबारा हमारे घर में बहू बनकर आए, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। मैं रात को ईशा से बात कर लूंगी, वो कभी मेरी बात नहीं टालेगी। और आप भी जरा जैद से पूछ लीजिएगा। अरे वो कभी इनकार नहीं करेगा, वो तो पसंद करता है ईशा जी। हाँ हाँ, ईशा जैसी शख्सियत को कौन ना पसंद कर सकता है। खुदा करे मेरी बच्ची के नसीब अच्छे, वो जहाँ रहे खुश रहे, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। फिक्र ना करो। कहाँ से आ रहे हैं आप दोनों? माशाल्लाह खानदार लग रही हैं बिल्कुल। मेरी बात को टाले मत, सच सच बताएं कि कहां से आ रहे हैं। जमील के घर गए थे, भाभी ने बुलाया था। क्यों? वो ईशा की तरफ से थोड़ी सी परेशान है, तबीयत ठीक नहीं रहती ना उनकी। मतलब क्या है उन लोगों का, हर चीज का ठेका लेके रखा है क्या हम लोगों ने? मतलब क्या है तुम्हारी इस बात से? अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि ये आपका बेटा भाग भाग कर वहां क्यों पहुंच जाता है रोज। चलो अच्छा हुआ आज तुमने ये खबर सुना दी कि सिर्फ मेरा ही बेटा। आप दोनों मेरी बात कान खोल के सुन ले, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगी। बहुत बददिमाग लड़की है वो, अपनी नौकरी का बहुत गुरूर है उसे, किसी को खातिर में नहीं लाती। मेरे बेटे ने इसी वजह से दिल बर्दाश्ता होकर इतना बड़ा कदम उठाया है। जैद बेटा अम्मी को सलाम कर दो। क्यों? अरे भाई, इनकी अजमत को सलाम है, इनकी सोच को सलाम, सारा मलबा उस मासूम बच्ची पर डाल दिया उन्होंने। तो ठीक ही तो कह रही हूँ, एक बहन तो पहले से हमारे सर पर सवार है, तो क्या दूसरी को भी कर ले? अम्मी एक बात कहूँ मैं आपसे, वैसे जूनिया और ईशा दोनों में कम से कम जमीन आसमान का फर्क तो है। तुम तो चुप ही रहो, एक पाई का तो दुनिया के बारे में पता नहीं है तुम्हें, दुकान से घर, घर से दुकान, तुम्हें क्या मालूम कि दुनिया में कितने कितने चलाक लोग हैं। नहीं तो आपका मतलब यह है कि मैं पागल हूँ? बस अब कोई बहस नहीं होगी,
मैंने फैसला कर लिया जैद की शादी ईशा से होगी। मेरी बात सुनिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी जिंदगी में ही ईशा अपने घर की हो जाए। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ। अगर आप जैद को अपनी फर्जंदी में कबूल कर रहे हैं। जी अम्मी। बेटा इधर आओ, बैठो मेरे पास। क्या बात है अम्मी? बेटा तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। सोचती हूँ अगर अचानक मेरी आंख बंद हो गई तो तुम बिल्कुल तन्हा रह जाओगी। तुम्हारे दोनों बहन भाई बहुत खुदगर्ज है। दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितने ये खुदगर्ज रिश्ते। क्या हो गया अम्मी, हर वक्त ऐसी बातें क्यों सोचती रहती हैं आप? क्या करूं बेटा, सोचती हूं मेरे बाद तुम बिल्कुल तन्हा होगी। तुम्हारे इर्द गिर्द मुझे कोई मुखलिस रिश्ता नजर नहीं आता। अरशद भाई ने जैद से तुम्हारा रिश्ता दिया है। मुझे अंदाजा है कि जैद का और तुम्हारा जोड़ नहीं है। उसकी तालीम भी तुमसे बहुत कम है। लेकिन बेटा जैद बहुत अच्छा, बहुत मुखलिस लड़का है। वो अरसल की तरह बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें इनकार ना हो तो मैं उन्हें फोन करके हाँ कर दूं। अम्मी वो मैं शादी नहीं करना चाहती अभी। अगर क्यों बेटा, क्यों नहीं करना चाहती? सच बताऊं आपको, तना छोड़कर जाने को कहीं दिल नहीं करता। तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो ना चाहते हुए भी मजबूरन असद को आना ही पड़ेगा। अच्छा मैं मर गई हूं क्या? अरे आप लोग तो मुझे किसी गिनती में ही नहीं लेते। क्यों हर वक्त तो ईशा 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 लगा रखा है आपने? ईशा ईशा क्यों होता है इस घर में? इसीलिए असद भाई भी आपको छोड़ के चले गए। वो मेरी वजह से नहीं गया यहां से। वो अपनी खुदगर्ज और लापरवाह फितरत की वजह से यहां से गया है। और तुम क्यों आई हो? मैं सारा सारा दिन तन्हा पड़ी रहती थी। कभी तुमने ख्याल किया कि मां अकेली है? अब आने का क्या फायदा? अम्मी छोड़ देना। ख्याल? क्या आपको मेरा ख्याल है? हर वक्त जली कटी बातें, तंज, रूखा रवैया। क्यों आकर बैठूं मैं आपके पास, बताएं? क्यों आऊं? बैठूं आपके पास और मेरी भी एक बात कान खोल के सुन ले। ईशा की शादी आप जैद से हरगिज नहीं करेंगी। क्यों नहीं होगी? क्या वजह है? क्योंकि मेरी छोड़ी हुई चीज जैद को नहीं मिल सकती, समझिए आप। क्या कहा तुमने? हाँ क्यों, समझ नहीं आया? क्या कहा तुमने अभी? समझते क्या हो खुद को? मैं कोई चीज हूं? समझते क्या हो खुद को? तुमने मेरे शौहर पर हाथ कैसे उठाया? माफी मांगो,
माफी मांगो। अम्मी अम्मी आंखें खोलिए। अम्मी क्या? अम्मी मैं मरीज बुला के आता। अम्मी मेरी बात। अम्मी तो तुम जैद जैद से। अम्मी 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 आंखें खोलिए। अम्मी 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 आंखें खोले। अम्मी अम्मी मुझसे बात करे। अम्मी 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 आंखें खोले। अम्मी अम्मी अंबर जी। अम्मी बेटा मर्द आने वाले होंगे, घर चलने की तैयारी करो। इतनी जल्दी? क्या मतलब है इतनी जल्दी? अच्छा आप चली जाए, मैं नहीं जाऊंगी। ईशा के साथ रुकूंगी कुछ दिन। कुछ दिन? पागल हो गई हो, क्या कह रही हो? नहीं मैं नहीं जाऊंगी उसको छोड़ के, बहुत अकेली हो गई ईशा। उसकी बहन है ना उसका ख्याल रखने के लिए। बहन बहुत ख्याल रखेगी उसका। आपने देखा है एक बार भी गले नहीं मिली वो ईशा से, समझ नहीं आता उसके दिल में कौन सी ऐसी मैल भरी हुई है। तुम्हें क्या जरूरत है उन दोनों के दरमियान बोलने की? सुन लेती तो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी। हाँ कुछ भी कहे अम्मी, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं ईशा के साथ ही रुकूंगी। तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है, और उसकी सगी भावच को देखो, अपनी सांस की मैयत तक में नहीं आई। खून सफेद हो गया है आजकल लोगों का। उसको छोड़े अम्मी, आपकी बहू ना उससे कम नहीं। चुप कर जाओ, आस्ता बोलो। देख रही है यहाँ पर, सुन लिया तो मेरे पीछे पड़ जाएगी। देख रही है तो देखती हूँ, आपको क्यों इतना डर लगता है उससे? खैर जो भी हो, मैंने तुम्हें कह दिया, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जाने वाली। उसकी बहन और भाई है ना उसका ख्याल रखने के लिए, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चलने की तैयारी करो। मम्मी आज कल आगे मैं क्लास नहीं सुनूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमरान अशरफ। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड जबरदस्त कंटेंट।